हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दूसरे महीने के बारे में, उसके लक्षण, बच्चे का विकास, शारीरिक बदलाव और गर्भावस्था के दूसरे महीने में क्या क्या खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। गर्भावस्था के दूसरे महीने में माँ को बच्चे के होने का हल्का एहसास होने लगता है और दूसरा महीना शुरू होते ही शरीर में कई तरह के बदलाव नज़र आने लगते हैं। गर्भावस्था के दूसरे महीने के लक्षण। गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे स्तन का आकार बढ़ने लगता है व निप्पल के आसपास का भाग गहरा हो जाता है। गर्भवती महिला का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, योनि में दर्द, खुजली की समस्या, पेशाब बार बार आना, गर्भाशय का हल्का सा बढ़ना, उल्टी आना, चक्कर आना, कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, सीने में जलन होना। चलिए अब देखते हैं कि गर्भावस्था के दूसरे महीने में बच्चे में क्या क्या विकास होते हैं। तो गर्भावस्था के दूसरे महीने में भ्रूण का आकार लगभग करीब 1 इंच का हो जाता है और उसका वजन 15 ग्राम तक हो जाता है। इस महीने में बच्चे की धड़कन को सुन सकते हैं और भ्रूण का हृदय अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। बच्चे की आँख, नाक, होंठ व आदि बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखते हैं गर्भावस्था के दूसरे महीने में क्या क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए, इससे बच्चे की दिमागी विकास अच्छे से होता है। प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, दूध, दही, पनीर, अंडे, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। आयरन शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। आयरन सबसे ज़्यादा पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां व सेब में पाया जाता है। कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। तो गर्भावस्था में गर्भवती महिला को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह सबसे नाजुक दौर होता है, इसलिए जो भी काम करें सोच समझ कर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू मीट यू सून।